Assalamu alaikum, my long students. I once again welcome you all on our online batch UKAV 1.0. That's completely free for all the foundation class. Dear students, today we are going to discuss here one more part of our prose, The Merchant of Venice. बेटा आज इस वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे एक और पार्ट मर्चेंट ऑफ वेनिस में. और जैसे आपको पता है पहले वाले लेक्चर में हमने जाना किस तरह जो हमारे मैन कैरेक्टर्स है एंटोनियो इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्ले एंड शाइलॉक द विलन और वी कैन से एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले. किस तरह जो एंटोनियो है उसको रियल्टो में डिसग्रेस करता था, किस तरह उस पर बहुत बैड वर्ड्स इस्तेमाल करते थे और आखिरकार जब शैला को एक मौका मिलता है बदला लेने का वो कब, जब एंटोनियो का एक क्लोज फ्रेंड बेसनियो को पैसों की जरूरत पड़ती है और उस टाइम पे एंटोनियो को पैसे रेडी कैश नहीं होता, हैंड कैश नहीं होता है और आखिरकार उनको आना पड़ता है किसके पास, शैलॉक के पास. और शैलॉक एक बड़ी चाल चलाते हैं किसके खिलाफ, एंटोनियो के खिलाफ, कि किस तरह वो उससे बदला ले सके. लेकिन जो एंटोनियो होता है एंटोनियो को बिल्कुल पता होता है कि मैं बिल्कुल भी मतलब इससे जो ये पैसे लूंगा मैं उसको कोई भी जो अमाउंट वो लेगा इंटरेस्ट का मैं रेडी हूं देने के लिए. मगर एंटोनियो चाल चलाता है बड़ा फ्रेंडली बनने के, जैसे वो फ्रेंडली बनता है और उससे बता देता है कि चले ये सारा मैं भूल जाता हूँ, मैं आपको सारे पैसे जितने आपको 3000 डिकेट्स चाहिए मैं आपको ये सारे उधार देता हूँ मगर एक शर्त पे. वो शर्त क्या है, आप एक एग्रीमेंट पे साइन करिए. साइन करना है एक एग्रीमेंट पे. वो एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट एक ऐसा है कि अगर वो 3 महीने तक ये पैसे वापस नहीं दे पाए तो शैलॉक क्या करेगा, एंटोनियो के बॉडी से अपॉइंट ऑफ फ्लश हासिल करेगा और किसी भी जगह जो शैला को प्लीज करे. लेकिन इस बात पर शैला को सॉरी बेसनियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है. वो नहीं चाहता है कि उसका फ्रेंड एंटोनियो ये चीज करे. मगर बेटा एंटोनियो को भरोसा था कि मेरे शिप्स आएंगे और वो उसको आराम से वो पैसे भी वापस करेंगे. मगर फिर उसके बाद बेसनियो को पैसे दिए जाते हैं, वो बेलमाउंट जाते हैं. बेलमाउंट में पोर्शिया का हाथ भी जीतता है और पोर्शिया के साथ एक शादी का डेट भी फिक्स हो जाता है. और उसके बाद पोर्शिया क्या करती है, जैसे ही बदकिस्मती की बात यह है यहाँ कि उसके बाद एक लेटर मिलती है वहाँ पे बेसनियो को एंटोनियो की, जिसमें उसने उसको बता दिया है कि एक ड्रेडफुल न्यूज़ है जिसमें उसके शिप्स जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से अपने दोस्त को वापस बुलाना चाहता है और उसको मरने से पहले एक फेयरवेल अलविदा करना चाहता है. और ये सारा किस्सा जब पोर्शिया भी सुनती है तो पोर्शिया अपने एक कजन जो एक लायर होता है उसको एक एडवाइस भेजती है इसके बारे में, इस केस के बारे में, और फिर कुछ लायर के क्लोथ्स भी मांगती है. और उसके बाद साथ में क्या हो जाता है, जो ये पोर्शिया होती है वो अपने आप को डिसगाइज करके, डिसगाइज माने अपना रूप बदल के को वेनिस आ जाती है और वेनिस के कोर्ट में एज अ लायर बन के आती है. जब वो ड्यूक ऑफ वेनिस के पास एक लेटर छोड़ती है, किसके, उसका जो कजन होता है उसकी लेटर छोड़ देता है और जिसमें ये ड्यूक को लिखा जाता है कि वो खुद नहीं आ सकता है और उसको रिक्वेस्ट करता है कि जो ये नया काउंसलर आया है, एक नया लायर आया है, कौन, पोर्शिया, की उसको इजाजत दे कि ये एंटोनियो का केस लड़ सके. तो ये सारा हमने पहले वाले लेक्चर में बेटा डिस्कस किया है. चलिए आज हम देखते हैं इस वाले स्टोरी में आगे फिर क्या हो जाता है. चले आगे देखते हैं कि आगे फिर क्या हो जाता है इस वाले स्टोरी में. यहां तक बेटा हमने पहले वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया है कि जब ड्यूक इसको इजाजत देता है पोर्शिया को और उसके बाद सारे इस यूथफुल अपीयरेंस को देख के, इस स्ट्रेंजर की यूथफुल अपीयरेंस को देखते सारे वंडर करते हैं, सारे परेशान हो जाते हैं और साथ में क्या करते हैं कि ये काउंसलर्स के रोब पहन के होते हैं और एक विग लगा के आती है, एक मेल बन के आती है और इस केस को लड़ने के लिए आ जाती है एज अ लायर. किसका केस, ये केस एंटोनियो का. चलिए बेटा अब हम देखते हैं इस वाले पार्ट में क्या हो जाता है. Portia looked around the court and saw on one side Antonio and the Bassanio and their friends. On the other side stood Shylock, quite alone, sharpening a knife.
Portia begged by arguing in favor of Shylock, and said that he indeed had a right to the pond of marsh. देखो बेटा क्या हो जाता है, कह रहे हैं कि उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे ही पोर्शिया कोर्ट में आ जाती है, वो एक साइड से किसको देखती है, एंटोनियो को देखती है, बेसनियो को देखती है, और बाकी जो एंटोनियो के दोस्त होते हैं उनको एक साइड से देखती है, और दूसरे साइड से कौन होते हैं, जो शैलाक होता है, शैलाक अपने इस नाइफ को शार्पनिंग कर रहा है, तेज कर रहा है, और पोर्शिया बिगिन बाय आर्ग्यूइंग, और पोर्शिया ने जो स्टार्ट अपना मुकदमा किया, जब उसने बातें स्टार्ट की है, बाय आर्ग्यूइंग इन फेवर ऑफ शैलॉक, पहले उसने बात की है किसके फेवर में, शैलॉक के फेवर में, एंड सेड दैट ही इंडीड हैड अ राइट टू हिज पॉट ऑफ फ्लश, और क्या कहा, बिल्कुल हक है शैलॉक को कि वो एंटोनियो का पॉट ऑफ फ्लश ले सकेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड ही हैज गॉट दैट राइट. At the same time, in a moving speech, she appealed for Shylock to show mercy to Antonio and not claim that penalty. और उसके बाद उसने अपना स्पीच मूव किया है और अपील की किसके, शैला को क्या कहा कि आप दया दिखाइए, किसको, एंटोनियो को आप दया दिखिए, मतलब आप रहम करिए उसकी ओर, न कि आप ये पेनल्टी मांगे, नॉट टू टेक दिस पॉन्ड ऑफ फ्लश. बेटा आपने 8th क्लास में एक पोम, छोटी सी पोम पढ़ी होगी विलियम शेक्सपियर की, जिसका नाम ही है मर्सी. अगर आपने पढ़ा होगा मर्सी, जो वहां पे वो पोम है, दैट मर्सी इज एक्चुअली अ डायलॉग ऑफ पोर्शिया, वो जो पोम है वो कोई पोम नहीं है, दैट्स अ डायलॉग ऑफ पोर्शिया, वो डायलॉग है किसका, पोर्शिया का, किस टू होम, टू शैलॉक, ये शैलॉक को वो स्पीच दे रहे, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्या बताती है उसको कि आप दया करिए, मर्सी कह रहे हैं कि द मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, it dropped as the gentle rain from the heaven. Mercy कोई फोर्स नहीं है, एक रहमत जिस तरह जन्नत से बरसते, इसी तरह अगर इंसान पर क्या किया जाएगा, दया किया जाएगा. और उसके बाद क्या बताया जाता है बेटा, आपने पढ़ा होगा, it's twice blessed, ये दो तरफा blessing है, that one who gives and that one who takes, एक वो जो दया करता है और जो दूसरे पर दया की जाता है. तो यहाँ पे वही डायलॉग सुनाती है कौन, वो डायलॉग हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है, वही डायलॉग जो आपने 8th क्लास की पोम मर्सी में पढ़ा है, वो ये इसको समझाती है किसको, एंटोनियो की, कि आप क्या करिए, दया दिखाइए, आप ना करिए कि आप क्या मांगिए उससे, ये पेनल्टी मांगिए, बट दिस अपील हैड नो इफेक्ट ऑन द ज्यू, मगर इस अपील का, इसका कोई असर नहीं पड़ता है इस हार्ड हार्टेड मैन ज्यू पर, इस शैलॉक पर कोई असर नहीं पड़ता है इसका, ही इंसिस्टेड अपॉन द पॉन्ड ऑफ फ्लश, और ये बड़ा ही जोर करता है उसको क्या चाहे, पॉन्ड ऑफ फ्लश विच वॉज ड्यू टू हिम अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड, और बॉन्ड के हिसाब से जो उसको मिलना चाहिए. वाई देन एंटोनियो, सेड पोर्शिया, यू मस्ट प्रिपेयर योर बोजम फॉर द नाइफ, एंड व्हाइल शैलॉक वॉज शार्पनिंग अ नाइफ विद ग्रेट ईगरनेस टू कट ऑफ द पॉन्ड ऑफ द फ्लश, पोर्शिया सेड टू एंटोनियो, हैव यू एनीथिंग टू से, और उसके बाद उसने क्या कहा, अरे फिर क्यों, वाई देन एंटोनियो, सेड पोर्शिया, पोर्शिया ने इसको बोला क्या, यू मस्ट प्रिपेयर योर, और आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए पॉन्ड ऑफ फ्लश के लिए, और शैलॉक जो था वो अपने नाइफ को शार्प कर रहा था, तेज कर रहा था बड़े ईगरनेस के साथ, क्यों, क्योंकि ही वॉन्ट टू कट ऑफ द पॉन्ड ऑफ फ्लश, और पोर्शिया ने फिर एंटोनियो को बताया, क्या हैव यू एनीथिंग टू से, क्या आपको कुछ यहाँ पे कहना है, क्या आप कुछ बताना चाहते हो, पॉन्ड ऑफ फ्लश उठाने से पहले कुछ आप बताना चाहते हो, तो एंटोनियो क्या कहता है, एंटोनियो विद अ काम रिजिग्नेशन, बड़े कामली, बड़े पीसफुली बता देता है, रिप्लाइड दैट ही हैड टू पुट टू लिटिल टू से, मतलब उसको थोड़ा सा ही कुछ कहना है, फॉर दैट ही हैड टू प्रिपेयर हिज, और उसने मौत के लिए, फॉर द डेथ ही हैज प्रिपेयर्ड हिज, उसने मौत के लिए अपने दिमाग को रेडी, मतलब ही इज रेडी टू डाई, वो तैयार है मरने के लिए, देन ही सेड टू बेसनियो, और उसने बेसनियो को बोला क्या, गिव मी योर हैंड बेसनियो, अरे बेसनियो अपना हाथ दे दो, फेयर यू वेल, मैं आपको अलविदा करना चाहता हूं, grieve not that I am fallen into this misfortune for you, कभी भी दुख नहीं मनाना, grieve माने दुख मनाना, कभी भी दुख नहीं मनाना कि मैं इस मतलब इस misfortune में पड़ा हूँ आपके लिए, कभी ऐसा नहीं करना कि मैं मतलब आपकी वजह से इस मुसीबत में फंस गया हूँ, comment me to your honorable wife and tell her that how I loved her, और बता देना अपनी wife को भी मेरी words, कहना कि मैं कितना प्यार आपसे करता था, ये सारी बातें करता है कौन, एंटोनियो अपने दोस्त बेसनियो के साथ, और इस तरह ही उसका हाथ पकड़ के ये बातें कहता है.
बेसनियो इन द डीपेस्ट एफ्लिक्शन रिप्लाई, मतलब बड़े ही दुख में ये बेसनियो रिप्लाई करता है, एंटोनियो आई एम मैरिड टू अ वाइफ हु इज एज डियर टू मी एज लाइफ इटसेल्फ, बट लाइफ इटसेल्फ माय वाइफ एंड ऑल द वर्ल्ड आर नॉट एस्टीम्ड विद मी अबव योर लाइफ, आई वुड लूज ऑल, आई वुड सैक्रीफाइस ऑल टू दिस डेविल हियर टू डिलीवर यू. क्या बताया जाता है, दोस्ती निभाना. कह रहा है कि अरे एंटोनियो, मेरी शादी उस औरत से हुई है जो मेरी दुनिया है और दुनिया की सबसे ज्यादा मेरे लिए प्यारी है, मगर उस सबसे भी बढ़कर मेरे लिए आप हो, मतलब वाइफ से भी बढ़कर आप हो और आपका प्यार है, और मैं सब कुछ खोना चाहता हूं, मैं सब कुछ तैयार हूं देने के लिए इस डेविल को अगर वो आपको बख्शे, सब कुछ जो मेरे पास प्रॉपर्टी है जो भी है सब कुछ मैं बख्शना चाहता हूं, सब कुछ मैं देना चाहता हूं अगर वो आपको क्या करे, अगर वो आपको बख्श दे. तो बेटा ये मैंने समराइज किया पूरे इसको, अदरवाइज मैं आपको हर स्टेंजा और हर सेंटेंस के बाद बाद आपको क्या करता हूं, हर सेंटेंस के बाद माने बता देता हूं. यहां पे मैंने सारा एक साथ बता दिया है क्योंकि इट वॉज इजी, क्योंकि कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं था इसलिए. उसके बाद शैलाक नाउ क्राइड आउट इम्पेशियंटली. अब लेकिन शैलाक ने बड़े बेसब्री से क्या चलाया, क्या वी ट्रिफल टाइम आई प्रे प्रोनाउंसेशन. अरे हम तो टाइम जाया कर रहे हैं, जल्दी मतलब इसको प्रोनाउंस द सेंटेंस बने, जल्दी जल्दी सजा सुनाइए. पोर्शिया ने अब बताया, क्या बताया, इफ द स्केल्स वर रेडी टू वे द फ्लश and she said to the Jew, Shylock, you must have some surgeon by least by to bleed to death. क्या बताया, अरे शैलाक, पोर्शिया ने आप बताया कि आपको फिर आप तो पूरी तरह से आपके स्केल रेडी होंगे इस फ्लश को लेने के लिए, और साथ में ये भी बताया शैलाक को कि आपने एक सर्जन को भी साथ लाया होगा क्योंकि इसको बहुत ज्यादा खून निकल जाएगा और ये मर जाएगा, आपने लाया होगा. शैलाक whose whole intent was that Antonio should bleed to death. पूरा मकसद शैलाक का क्या था कि एंटोनियो को क्या करे, उसका खून गिरे और ये मौत तक पहुंचे, मतलब ये मर जाए. इट्स नॉट सो नेमड इन द बड़ा रे, ये तो बॉन्ड में नहीं है कि मैं डॉक्टर को लाऊं, सर्जन को लाऊं, उससे इतना खून गिरेगा ये तो मर जाएगा, नहीं, ये तो बॉन्ड में नहीं है. चलिए फिर बॉन्ड में क्या है देखते हैं. पोर्शिया रिप्लाइड, पोर्शिया ने कहा, हाँ इट्स नॉट सो नेमड इन द बॉन्ड, हाँ ये बॉन्ड में नहीं दिया गया है, बट व्हाट ऑफ दैट, फिर बॉन्ड में क्या है, इट वाज गुड You did so much for charity. मगर ये तो आप charity के लिए करते, मतलब इंसानियत के लिए आप इतना करते कि आप क्या करते, एक डॉक्टर को भी लाते. To this, all the answer Shylock could make was, I cannot find it and it's not in the bond. अरे मुझे ये नहीं दिखा और ये bond में नहीं था. Then said Portia. फिर Portia ने वापस बताया, क्या बताया, A pound of Antonio's flesh is thine. Thine माने yours. हाँ Shylock, जो ये pound of flesh है ये आपका ही है, मैं भी मानती हूं बिल्कुल आपका है. द लॉ अलाउज इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स, लॉ आपको ये देता है, कोर्ट आपको ये अवार्ड करता है. एंड यू मे कट दिस पॉइंट ऑफ फ्लश ऑफ हिज ब्रेस्ट, आप ये उसके सीने से उठा सकते हो. द लॉ अलाउज एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, लॉ इसके लिए आपको अलाउ करता है, कोर्ट भी आपको इसके लिए अवार्ड करता है, इसमें कोई बात नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड ये आपका ही है. फिर अगेन शैलॉक एक्सक्लेम, दोबारा शैलॉक बता देता है, ओ वाइज एंड अपराइट जज, एट डैनियल इज कम टू जजमेंट. एंड देन ही शार्पनड हिज लॉन्ग नाइफ अगेन एंड लुकिंग ईगरली ऑन एंटोनियो ही सेड, ए कम प्रिपेयर. और ये बातें सुनने के बाद जब उसने इसको बोला सारा लाभ भी आपको देता है, कोर्ट भी आपको देता है, पाउंड ऑफ फ्लश है आपका, कोई इसमें शक ही नहीं है, तो शैलॉक क्या बता रहा है, अरे ओ वाइज एंड अपराइट जज एट डैनियल कम टू जजमेंट, आज एक डैनियल माने एक जबरदस्त इंसान आया है जजमेंट करने के लिए. एंड देन ही शार्पनड हिज, और उसने अपनी इस नाइफ लॉन्ग नाइफ को क्या कर रहा था, तेज कर रहा था. एंड लुक्ड ईगरली ऑन एंटोनियो, फिर किसकी ओर देख रहा था, बड़े ईगरली एंटोनियो की ओर देख रहा था, और बताने लगा शैलॉक एंटोनियो को, क्या काम प्रिपेयर है, जल्दी आ जा, तैयार हो जा मरने के लिए. टैरी अ लिटिल जीव, सेड पोर्शिया, टैरी अ लिटिल माने वेट अ लिटिल, वेट अ मोमेंट, अरे वेट तो कर, किसने बोला, पोर्शिया ने इसको बोला, वेट अ लिटिल, थोड़ा सा इंतजार तो कर, वेट अ लिटिल, देयर इज समथिंग एल्स, कुछ और है. द बॉन्ड हियर गिव्स यू नो ड्रॉप ऑफ ब्लड, द वर्ड्स आर अ पॉइंट ऑफ फ्लश. अरे तो मिल गया ना जवाब यहां से पोर्शिया का. पोर्शिया ने कह रहा, अरे तो इंतजार कर शैलॉक, जो ये बॉन्ड है, बॉन्ड के हिसाब से आपको क्या मिल रहा है, बॉन्ड गिव्स हियर यू नो ड्रॉप ऑफ ब्लड, आपका एक खून का कतरा भी नहीं देता है, बल्कि सिर्फ आपको क्या देता है, अ पॉइंट ऑफ फ्लश. तो आपको पॉइंट ऑफ फ्लश लेना है, वो बॉन्ड में है, एग्जैक्टली दैट इज दाइन, वो आपका है, मगर नॉट ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, मगर खून का एक कतरा भी आपका नहीं है, खून का कतरा आप नहीं ले सकते हो जनाब.
तो आगे देखेंगे फिर क्या होता है उसके साथ. Now, as it was utterly impossible for Shylock to cut off the pond of flesh without shedding some of the Antonio's blood, कह रहे कि अब ये पूरी तरह से डेड पॉसिबल था किसके लिए, शाइलॉक के लिए, कि वो पॉन्ड ऑफ फ्लश ले खून बहाने के बगैर. तो फिर क्या हुआ, दिस वॉइस डिस्कवरी ऑफ पोर्शिया दैट इट वॉज फ्लश नॉट ब्लड दैट वॉज नेम्ड इन द बॉन्ड सेव्ड द लाइफ ऑफ एंटोनियो एंड ऑल एडमायरिंग द वंडरफुल सगेसिटी ऑफ द यंग काउंसलर. अरे यहां तो कुछ और मजा आया स्टोरी में. क्या बता रहा है कि जो ये नई डिस्कवरी, एक वॉइस डिस्कवरी पोर्शिया ने की कि उसको सिर्फ क्या चाहिए, दैट इट वाज फ्लश, सिर्फ फ्लश था न कि ब्लड बॉन्ड में था. और उसके बाद क्या किया गया था, जो बॉन्ड में दिया गया था और जिसकी वजह से क्या हुआ था, सेव्ड द लाइफ ऑफ एंटोनियो, जिसने एंटोनियो की लाइफ बचाई. एंड ऑल एडमायरिंग, और सारे पसंद करने लगे किसको, द वंडरफुल सगेसिटी, सगेसिटी माने विजडम, अकलमंदी को किसकी, और जो ये यंग काउंसलर पोर्शिया थी, सारे लोग इसके इस डिसीजन को, इस बात को सारे लोग पसंद करने लगे. हाँ एग्जैक्टली, बॉन्ड इसको नहीं देती है ना ब्लड, बॉन्ड इसको पाउंड ऑफ फ्लश देती है. अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड ही हैज टू टेक द पाउंड ऑफ फ्लश, बट नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ द ब्लड कुड शेड. और उसके बाद व्हाट कुड कट ऑफ ए पाउंड ऑफ फ्लश, और उसके बाद कह रहे हैं दिस अनएक्सपेक्टेड जजमेंट अपसेट ऑल शाइलॉक्स प्लान. कह रहे हैं कि जो ये अनएक्सपेक्टेड था, जिसका उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, जो ये जजमेंट मिला था, अपसेट ऑल शाइलॉक्स प्लान्स, और उसने सारे शैला के प्लान्स को चौपड़ किया, सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया. हु कुड कट ऑफ ए पॉन्ड ऑफ फ्लश विदाउट शेडिंग ए ड्रॉप ऑफ, और कौन अब एक पॉन्ड ऑफ फ्लश को ले सकता है विदाउट शेडिंग ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, खून बहाने के बगैर, खून गिरने के बगैर. हाउ इज दिस पॉसिबल दैट वी कैन टेक द पॉन्ड ऑफ फ्लश. चलिए बेटा आगे देखते हैं. रियलाइजिंग दैट ही वॉज कंप्लीटली डिफीटेड, शाइलॉक टर्न्ड टू बैसिनियो एंड आस्क्ड फॉर 3 times हिज प्रिंसिपल. क्या बताया गया है, अब शैला को रियलाइज होने लगा है कि उसने पूरी तरह से ये केस हार लिया है. तो वो कहां की ओर चला गया, उसने कहां की ओर टर्न किया, बैसनियो की ओर टर्न किया, और बैसनियो को क्या कहा, जो मैंने आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया था, व्हाट वाज द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट वाज 3000. कितना था, 3000 था. और ये अब इसको क्या बता रहा है कि आप मुझे 3 times दे दो प्रिंसिपल अमाउंट को. दैट मींस अगर 3000 है, इसको ऐड करना है 3, दैट मींस इनटू 3, दैट मींस ये कितना बन जाता है, 9000 डुकेट्स इसको देना है. तो ये अब इसकी डिमांड कर रहा है. क्यों, पाउंड ऑफ फ्लश तो खत्म हो गया, कहीं से पॉसिबिलिटी ये नहीं हो रही है कि ये पाउंड ऑफ फ्लश ले सकता है. अब उसने टर्न की बैसनियो की ओर, बैसनियो को बताया कि अब आप मुझे जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, जो मेरा असली अमाउंट था, जितना मैंने दिया था, उसका 3 times मुझे ज्यादा चाहिए. और वो 3 times कितना है, 9000 है, और वो मुझे चाहिए. बट एज बैसनियो केम फॉरवर्ड, और जैसे बैसनियो आगे आया था विद अ बैग ऑफ गोल्ड, और पूरा सोने का बैग भर के, पोर्शिया स्टॉप्ड हिम एंड सेड, पोर्शिया ने उसको रोका और बताया क्या, शाइलॉक हैज ऑलरेडी रिफ्यूज्ड द मनी. अरे शाइलॉक ने पहले ही रिफ्यूज किया है पैसे लेने से, उसने नकारा किया पैसे लेने से. ही कैन ओनली हैव द पेनल्टी, सिर्फ वो पेनल्टी हासिल कर सकता है. पेनल्टी क्या है, पाउंड ऑफ फ्लश, सिर्फ ये पाउंड ऑफ फ्लश को हासिल कर सकता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने पैसे लेने से इनकार किया है. तो इसलिए इसकी पेनल्टी पाउंड ऑफ फ्लश है, ये ले ले पाउंड ऑफ फ्लश. शाइलॉक नाउ सेड दैट ही वाज रेडी टू एक्सेप्ट हिज बियर पाउंड बियर प्रिंसिपल बट नॉट इवन दिस. लेकिन अब जब इसको लगा कि अरे अब तो 3000 भी नहीं मिलेगा, पाउंड ऑफ फ्लश तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है लेना, तो अब ये राजी हुआ था इस बात पे कि उसको क्या दिया जाएगा, बियर प्रिंसिपल अमाउंट, जो उसने अपना अमाउंट दिया था, बियर मनी जो उसने 3000 दिए थे, वही उसको वापस अब दे दो. अब ये वही वापस मांग रहा है. फिर क्या बताया जाता है, बट इवन दिस पोर्शिया रिफ्यूज हिम. अरे इस बात पे भी पोर्शिया ने रिफ्यूज किया, अरे नहीं, नहीं मिल सकता है आपको ये अमाउंट भी. ही कुड टेक हिज पाउंड ऑफ फ्लश और नथिंग, या वो पाउंड ऑफ फ्लश ले या कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि ही एक्सेप्टेड इट दैट कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ पाउंड ऑफ फ्लश चाहिए. ऑल वॉज नाउ लॉस्ट फॉर शाइलॉक, अब पूरी तरह से सब कुछ खो गया शाइलॉक, पूरी तरह से अब ये केस हार गया. ही टर्न्ड अवे, मतलब इसने टर्न किया एंगरली
टू लीव द कोर्ट. अब ये बड़ी गुस्से में कोर्ट से बाहर निकलना चाहता है. बट देयर वॉज समथिंग मोर दैट पोर्शिया हैड टू से टू हिम. लेकिन अब कुछ और था जो पोर्शिया उसको बताना चाहती थी. वो क्या था वो पढ़ेंगे. क्या? यू कैनॉट लीव सो सून. अरे शैलॉक आप इतनी जल्दी कहां जा सकते हो? अब आप इतनी जल्दी नहीं जा सकते हो शैलॉक. द लॉ हैज नाउ ए होल्ड ऑन. अरे आप पूरी तरह से लॉ को आप पर काबू है. नाउ यू आर कंप्लीट, वी हैव गॉट कंप्लीट कमांड ऑन यू. आप पूरी कमांड है हमें आप पर. अब आप नहीं जा सकते हो. लॉ को आप पे कमांड है क्योंकि यू हैव प्लॉटेड अगेंस्ट द लाइफ ऑफ ए क्रिश्चियन एंड ए सिटीजन ऑफेंस. और आपने साजिश की किसके खिलाफ? द लाइफ ऑफ द क्रिश्चियन. एक क्रिश्चियन के खिलाफ आपने साजिश की और सिटीजन ऑफ वेंस के खिलाफ आपने साजिश की है. इसलिए आप यहां से नहीं जा सकते हो. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेंस, लॉ ऑफ वेंस के मुताबिक द पनिशमेंट फॉर दिस क्राइम इज डेथ. और इस क्राइम के लिए, इस गुनाह के लिए, इस जुर्म के लिए सबसे बड़ा जो क्या है, दैट इज डेथ. आपको डेथ हो सकती है. यू शुड बी हैंग. उसके अलावा हाफ योर गुड्स एंड मनी विल गो टू द स्टेट ऑफेंस. और जो आपकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में जो हाफ है वो किसको मिलेगा? दैट टू द स्टेट ऑफेंस. वो किसके हक में जाएगा? स्टेट ऑफेंस के. एंड अदर हाफ टू एंटोनियो. और जो दूसरा हाफ है वो किसको दिया जाएगा? एंटोनियो को दिया जाएगा. अगेंस्ट हूज लाइफ यू प्लॉटेड. जिसके खिलाफ आपने साजिश की है. अरे ये तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है. हाँ फिर This was a terrible blow to Shylock. और ये बहुत बड़ा झटका था शैला को. क्यों? क्योंकि मर्सी नहीं की ना. मर्सी दिखाता तो इतना नहीं होता. It was now his turn to beg for mercy. क्योंकि अब ये उसकी टर्न थी दया मांगने का. जब उसको बोला गया कि यू जस्ट शो द मर्सी, आप मर्सी दिखाओ, मगर उसने नहीं दिखाई. अब उसका टाइम था भीख मांगने का. द ड्यूक हु वॉज हैप्पी एट द वे थिंग्स हैड गॉन. और जो ये ड्यूक था वहां का, किंग था, वो बहुत ज्यादा खुश था जिस तरह चीजें हो गई, जिस तरह हर एक चीज सेटल हुआ था. वॉज रेडी टू स्पेयर हिज लाइफ एंड इवन एलो हिम टू कीप ए पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी. और वो पूरी तरह से अब क्या था, रेडी था कि उसकी जिंदगी को बख्शने के लिए किसके? एंटोनियो को. और उसको एलो करता कि वो पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी शैला को ले. बट ही वुड हैव टू गिव हाफ ऑफ टू एंटोनियो. और आदि उसको एंटोनियो को देनी है. द जेनरस एंटोनियो हाउएवर इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मनी हिमसेल्फ suggested that it should be given to Shylock's daughter who married a Christian against her father's wish. Yahan pe beta dekho, humne ye pehle padha hai. Keh raha hai ki yahan pe kya hua? The duke was happy. Bahut khush tha at the way things had gone. Jis tarah sara ek matlab hua hai. And was ready to spare his life. Abu puri tarah se ready tha uski life ko bakhshne ke liye. And even allow him to keep a part of his property. और उसके बाद उसकी आधी प्रॉपर्टी ली. बट ही वुड हैव टू गिव हाफ टू एंटोनियो. और आधी एंटोनियो को देनी थी. लेकिन जो ये जेनरस एंटोनियो था ना, हाउएवर इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मनी हिमसेल्फ, लेकिन अपने आप को ये प्रॉपर्टी खुद को लेने के बजाय उसने क्या किया? उसने ये सजेस्ट किया दैट इट शुड बी गिवन टू शैलॉक्स डॉटर. ये शैलॉक की डॉटर को दिया जाए हु मैरिड ए क्रिश्चियन अगेंस्ट हर फादर्स विश. जिसने एक क्रिश्चियन के साथ शादी की है, ये हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी उसको देनी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए. और इस यहां से भी हमें पता चलता है ये कितना जेनरस था, ये कितना अच्छा इंसान था. उसने ये प्रॉपर्टी खुद को नहीं ली, बल्कि क्या किया? बल्कि ये प्रॉपर्टी जो उसको ड्यूक ने, जिसको कोर्ट ने अलो किया कि आप ये शैलॉक के हाफ प्रॉपर्टी के हकदार हो, उसने कहा कि ये मैं नहीं चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टी मैं लूं. बजाय मैं खुद को लेने के बजाय ये उसकी बेटी को दिया जाए, जिसकी बेटी ने, शैलॉक की बेटी ने एक क्रिश्चियन के साथ अपने बाप के अनविलिंगनेस पर, बाप के विश पे नहीं बल्कि उसके बगैर कहां पे क्या किया है, अगेंस्ट द फादर्स विश, उसने एक क्रिश्चियन के साथ शादी की. ये प्रॉपर्टी मेरी आधी उसको मिली जो उसको मिलनी चाहिए. After Portia, in the disguise of a liar, had won the case for Antonio. और आखिरकार जो उसने अपने आप को डिस्गाइज किया था, आखिरकार उसने क्या किया था? एंटोनियो के हक में ये केस जीत लिया था. बेसनियो वेंट टू थैंक हर. अब बेसनियो उठा उसको शुक्रिया करने के लिए क्योंकि दोस्त की जान बच गई. ही ऑफ कोर्स डिड नॉट नो हु शी वाज. बेशक उसको नहीं पता था, किसी को नहीं पता था ये कौन है. ही आस्क्ड हर टू एक्सेप्ट ए गिफ्ट. और वो उसको कुछ देता है कि आप ये गिफ्ट लीजिए. कुछ दे रहा है. पोर्शिया एट फर्स्ट
रिफ्यूज टू रिसीव, पहले पोर्शिया ने मना किया, नकारा रिसीव करने से, बट व्हेन बेसनियो इंसिस्टेड, लेकिन जब बेसनियो ने बहुत ज्यादा इसको इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं ले लो, शी सजेस्टेड दैट शी कुड गिव हर ए रिंग ऑन हिज फिंगर। तो ये उसको क्या बता रहे, चलो अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो, आप जो आपके हाथ पर जो आपकी अंगूठी लगी हुई है ना आपकी उंगली में, तो मुझे वो चाहिए। Now Bassanio was in a difficult situation because he had promised never to part with the ring. क्योंकि अब ये Bassanio बेचारा बड़े मुश्किल में आ गया, क्योंकि उसने अपनी वाइफ पोर्शिया से वादा किया था कि वो इसको अपने हाथ से नहीं गवाएगा, कभी कभी भी अपने आप से अलग नहीं करेगा। He told Portia that the ring was valueless. अरे ये रिंग तो क्या है, ये तो वैल्यूलेस है, इसका कोई वैल्यू नहीं। He wanted to give her something of real value. और क्या बताने लगा, अरे मैं तो आपको कुछ रियल वैल्यू का देना चाहता हूँ, ये नहीं देना चाहता हूँ बल्कि कुछ जिसका बहुत ज्यादा वैल्यू हो। इस रिंग का तो कोई वैल्यू ही नहीं है उस चीज के सामने जो मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। फिर क्या होता है, बट पोर्शिया वांटेड दैट वेरी रिंग, मगर पोर्शिया वही रिंग चाहती है क्योंकि वही है पोर्शिया। Bassanio told her that the ring had been given by his wife and she would not like him to part with it. और अब Bassanio उसको बता रहे, ये रिंग तो मुझे अपनी वाइफ ने दी, वो नहीं चाहती थी कि मैं इस रिंग को अपने आप से अलग करूं। Indeed, she had even made him promise that he would never do so. और यहाँ से बता, और बेशक मैंने उसको ये प्रॉमिस भी किया कि वो इस रिंग को कभी अलग नहीं करेगा। He appealed to Portia to ask for some other thing. लेकिन फिर उसने पोर्शिया को, मतलब इस डिसगाइज इसको बोला था कि आप कुछ और मांगो। बट पोर्शिया टर्नड अवे प्रिटेंडिंग टू बी एंग्री। लेकिन पोर्शिया ने क्या किया है, टर्न किया है ये दिखावा करने का कि जैसे उसको गुस्सा आ गया। सही है, चलिए आगे। Antonio thought that she was feeling insulted. और इस बात Antonio देख रहा है, Antonio को लगा कि इसको थोड़ा सा insult feel हुई है। Dear Bassanio, and said Antonio. अब Antonio ने Bassanio को बताया, अरे Antonio, let him have the ring. चलो दे दो इसको ये ring. Let my love and the great service he has done for me be valued against your wife's displeasure. चलो कोई नहीं, चलो ये जो मेरा प्यार है और जो ये great service उसने किया है मेरे लिए, चलो अगर आपके वाइफ इस बात से नाखुश भी होगी, चलो ठीक है कोई मसला नहीं, अगर ये उसके खिलाफ भी होगा, अगर उसको डिस्प्लेजर होगा, नाखुशी भी होगी इस बात से। पुअर Bassanio हैड टू एग्री। अब पुअर Bassanio को एग्री तो होना ही है क्योंकि Antonio ने कहा है। हाउ कुड ही से नो, कैसे वो नो कहेगा Antonio को, हु हैड रिस्क्ड हिज लाइफ फॉर, जिसने अपनी जिंदगी उसके लिए दांव पर लगाई है, कैसे उसको ये नो कहेगा। सो ही वेरी अनविलिंगली गेव, अनविलिंगली माने मतलब दिल नहीं चाहता था वो दे, पर अनविलिंगली उसने ये रिंग उसको दे दी। फिर क्या हुआ, जस्ट एज Antonio एंड Bassanio वेयर लिविंग, जैसे अब Antonio और Bassanio कोर्ट छोड़ रहे थे, जैसे वो कोर्ट से निकल रहे थे, न्यूज केम दैट Antonio's ships which were thought to have been lost had safely arrived at port. और क्या कह रहे हैं कि जैसे वो कोर्ट से निकल रहे, एक न्यूज आई थी कि जो Antonio के ships थे ना, जिनकी उनको ये न्यूज आई थी कि वो लॉस्ट हुए हैं, वो खो गए हैं कहीं पे, वो सेफली अराइव पहुंचे हैं कहाँ पे, पोर्ट पर, फिल्ड विद जॉय, और दोनों खुशी से मतलब भरे हुए थे। द टू फ्रेंड्स नाउ हरी टू बेलमाउंट, और दोनों कहाँ अब कहाँ की ओर जा रहे थे, बेलमाउंट की ओर, किस लिए, टू टेल पोर्शिया द स्टोरी ऑफ देयर ग्रेट गुड फॉर्चून, कि वो उसको बताए अपनी किस्मत के बारे में कि किस तरह उनकी किस्मत चली और किस तरह ये केस आगे बढ़ा और किस तरह उनके लाइफ में एक मतलब क्या हुआ है, एक गुड फॉर्चून आया है। और ये सारे अब ये स्टोरी किसको बताना चाहते थे, पोर्शिया को बताना चाहते हैं। When Bassanio reached Belmont, लेकिन जैसे ये Belmont पहुंचे, he wanted to hide the fact that he had no longer had the ring. लेकिन ये बात छुपाना चाहता था पोर्शिया से कि उसकी रिंग अब उसके हाथ में नहीं है, ये बात वो छुपाना चाहता। But Portia soon found, लेकिन जल्दी ही पोर्शिया ने इस चीज को देखा, क्यों पोर्शिया ने ली, that he had not the ring on his finger, क्योंकि उसके हाथ में फिंगर नहीं है। When he did not produce it, जब उसने ये प्रोड्यूस नहीं की, she told him with a serious face, बड़ी सीरियस फेस से पोर्शिया ने उसको बताया, that he had broken his promise, अरे आपने मेरा वादा ही तोड़ दिया, मैंने आपसे ये वादा किया था, करवाया था ये वादा कि आप इस रिंग को अपने आप से कभी अलग नहीं करोगे, और आपने प्रोमिस भी किया, मगर आज आपने क्या किया है, आज आपने इस प्रोमिस को तोड़ दिया। और फिर क्या हुआ,
देन एंटोनियो आस्क्ड टू फॉरगिव बेसनियो. देन एंटोनियो ने पोर्शिया को बताया, अरे पोर्शिया इसको माफ करो, फॉरगिव माने माफ करना, अरे इसको माफ करिए. पोर्शिया प्रिटेंडेड टू एग्री, और पोर्शिया ने दिखावा किया, चलो ठीक है मैं एग्री हूं, उसको माफ किया. शी सेड टू बेसनियो, फिर उसने बेसनियो को कहा क्या, हियर इज अनदर रिंग, चलो ये एक और रिंग है, ले लो ये रिंग. इट हाँ, फिर क्या कह रहा है, सी दैट यू डोंट लूज दिस वन टू, अब इस वाले रिंग को नहीं गवाना. बेसनियो लुक एट द रिंग, जैसे ही बेसनियो अब इस रिंग की ओर देख रहा है, इट वॉज एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट, और ये रिंग बराबर एग्जैक्टली वैसी थी जैसी पहली थी, मगर थी ना पहली. हाँ, एज ही स्टूड देयर स्टेयरिंग, जैसे वो वहां पे खड़ा था और उसको घूर रहा था, पोर्शिया गेव ए मैरी लाफ, और उसने बड़ी स्माइल दी और बड़ी हंस हंस के उनको बोला, एंड टोल्ड देम द होल स्टोरी, और फिर उनको सारी स्टोरी सुनाई. क्या स्टोरी, सारी स्टोरी सुनाई कि मैं कौन थी, किस तरह ये केस हुआ, मैं असल में कोई बलतासर कोई बंदा नहीं था, ये मैं ही थी जिसने ये केस लड़ा और जिसने ये केस जीता, और रिंग भी मैंने ही आपको मांगी थी, और ये वही रिंग है. तो ये सारी स्टोरी किसको सुनाई है, ये सारी स्टोरी उनको सुनाई, और एट द एंड व्हाट इज देयर, देयर इज ए व्हाट डियर स्टूडेंट्स, हैप्पी एंडिंग ऑफ आवर स्टोरी, और आखिर में हमारी इस स्टोरी की क्या है, हैप्पी एंडिंग. और कैसे, पहले दो जो हमने पढ़ा, ये ट्रेजिक कॉमेडी है, पहले तो ट्रेजेडी आई ना, पहले आपने जाना किस तरह से वो सैडनेस सारो ये सारे मुसीबतें आए थे, मगर आखिरकार हमने पढ़ा कि लास्ट में जो हमारे प्ले की क्या है, दैट वॉज हैप्पी एंडिंग, और इसके आखिर में क्या हुई है, हैप्पी एंडिंग, और ये था हमारा प्ले यहाँ पर बेटा. आई होप यहाँ तक आप समझ पाए, हर एक चीज को समझ पाए डियर स्टूडेंट्स. ये था हमारा लास्ट प्रोज, हमारे बुक जो 10th क्लास की बुक है उसका ये लास्ट प्रोज था हमारा, और आज हमने प्रोज सेक्शन पूरा कंप्लीट किया है. अब बेटा मेरा, हमारा सिर्फ कुछ शॉर्ट स्टोरीज पेंडिंग है, इंशाल्लाह उनको भी हम कवर करेंगे, और आपके पूरे सिलेबस को एक अच्छे क्वालिटी के साथ और बेहतरीन डिस्क्रिप्शन के साथ आप तक पहुंचाएंगे, और उम्मीद करते हैं बेटा कि हमारे इन वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, और इन वीडियोज की मदद से आपकी फाउंडेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी. और बेटा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आप सच्ची में इन वीडियो से फायदा हासिल करना चाहते हो, फिर आप किसी भी वीडियो को बीच में स्किप ना करें, क्योंकि आप नहीं समझ सकते हो तब जब तक आप सारे वीडियोस को नहीं देखोगे, क्योंकि हर एक चैप्टर या स्टोरी हो या प्रोज एक दो या तीन पार्ट्स बन जाते हैं, तो अगर आप बीच वाला पार्ट पढ़ोगे तो या देखोगे तो मुमकिन नहीं है कि आप स्टोरी को समझ पाओगे. इसलिए अपने आप को बेहतरीन नॉलेज देने के लिए, बेहतरीन अंदाज में समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए बेटा, सारा कुछ पहले से ही देखना चाहिए और सारे वीडियोस को वॉच करिए. अब बेटा अब हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे. एंड टिल देन माय लविंग स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़.